इन दिनों मध्य प्रदेश पुलिस के रवैये पर कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश पुलिस मजहब पूछकर लोगों पर कार्रवाई करती है? अगर नहीं तो फिर क्यों मध्य प्रदेश के एक वकील ने कुछ ऐसा ही आरोप मध्य प्रदेश की पुलिस पर लगाया है? उन्होंने तो पुलिस की उस बातचीत का ऑडियो भी जारी किया है जिसमें कथित तौर पर पुलिसकर्मी खुलेआम ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि उन्हें दुख है कि बिना जाने ही कि वो हिंदू थे पुलिसकर्मियों ने उनकी पिटाई कर दी। आपको बता दें कि ये मामला देश में लॉकडाउन लगने से पहले का है मगर उस वक्त तक मध्य प्रदेश में धारा 144 लगाई जा चुकी थी और वकील दीपक बुंदेले पिछले 15 सालों से मधुमेह और रक्तचाप का गंभीर रोगी है जिसकी दवाइयां लेने के लिए वो अस्पताल जा रहे थे जहां कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की और उनके साथ मारपीट भी की जिसके कारण जब दीपक ने उनके खिलाफ कथित शिकायत दर्ज कराई तो अन्य पुलिसकर्मियों ने उनसे फोन पर क्या कहा उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नहीं नहीं आपके आप क्यों आपने जब गलती की ऐसा हुआ कि मैंने गलती कर दी और आप मेरा गिरफ्तारी वारंट बना के कर दो ऐसा नहीं होता ना भाई। गलती जिसने की वो मतलब उसको तो कुछ है ही नहीं है वो उनको भी है उनको गलती का ऐसा मैं घर ले आऊंगा उनको आपसे मिलवा दूंगा और उनसे ही माफी मंगवा दूंगा मगर क्या है अरे यार कान का पर्दा फाड़ दिया मार मार के कान से मेरा 3 दिन खून नहीं बंद हुआ। मैं बता रहा हूँ कि मैं 15 साल से शुगर का मरीज हूँ मेरे को अस्पताल जाना है। देखो मैंने उनको दूसरे विकल्प भी बता दिया मार खाते खाते मतलब भाई 188 की कार्रवाई कर दे मार क्यों रहा मैं कोर्ट में देख लूंगा मारने का राइट नहीं है ना आपको। फिर मैंने बोला भैया कि आप दूसरा ये क्यों कर रहे हो तो बोले ज्यादा संविधान बता रहे हो इस पे तो और पड़ गया ये पूरा इतना काला था इतना वो जो मैंने वहां जाकर मुलायजा करवाया ना अस्पताल जाके तो वो जो बेचारे वहां अपने बैठते क्या नाम है आपके अस्पताल में मिश्रा जी आपकी उम्र की होंगे वो भी वर्मा साहब मिश्रा जी है बाल कम है और वो यार वकील साहब बोले बहुत मतलब ज्यादा मार दिया रेखा तमाशा तो ठीक है मान लेते कि मारा होगा लेकिन ज्यादा मार दिया। अरे उन बोले यार तुम मेरे बेटे की उम्र के तुमको बहुत गलत मारा मैं क्या बता रहा हूँ वो ही गलत फहमी के चलते परेशान है आज भी परेशान है अभी भी परेशान है अभी भी परेशान अभी भी दो अभी कल परसों वो उसका फोन आया रावण का मेरे बोले कौन रावण रावण वो अजू रावण का कि मेरे वो कांच फोड़ दिया फलाने ने कांच फोड़ दिया और मेरे पैसे 3,000 रुपए लूट लिए उसके ड्राइवर। हाँ मैं 11 बजे रात को गया। अब उसको मैं समझा रहा हूँ तो वो आदमी ना संविधान समझने को तैयार है ना कुछ है बोले संविधान को भर दो भाई वो संविधान की नौकरी कर रहा हूँ वो संविधान की मैं वकालत कर रहा हूँ अपन सब उसी से बंधे हुए हैं। ये कहीं रोड के अपन सब एक ही रोड पे के साथ ही है एक ही रोड में अपना और जाना एक ही अपने कोई जगह एक ही रोड में अब घूम फिर के हमको भी हो जाना रात को भी हो जाना रोड मैप दोनों का एक ही रोड है एक ही जगह जाना एक ही रास्ता बात वही है गलतफहमी के शिकार आदमी हो गया रोगी हो गया। अरे मैं नहीं हुआ मैं तो बीमार था मैं पैदल जा रहा था अभी तो लिख दो फिर अपन बाद में देख सकते हैं इसको अभी तो लिखो अभी मत अरे नहीं मैं कहना मानो आप अरे नहीं मेरे बच्चे जैसे हो अरे नहीं मैं आपको हृदय से कह रहा हूँ मेरी हृदय से आवाज निकल रही है कि मेरे साथ जो पुलिसकर्मियों ने कोई अभद्र व्यवहार या मारपीट नहीं की। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं वो उसमें तो पूरा मेरी छवि खराब होगी ना मैं सुप्रीम कोर्ट लिख चुका हूँ मैं हाई कोर्ट लिख चुका हूँ मैं बार को लिख चुका हूँ स्टेट बार को लिख चुका हूँ नेशनल बार को लिख चुका हूँ। अब ऐसा करूंगा कि आप कहने पे कि नहीं हुई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना ये ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान जितने 12 एसोसिएशन सबको खबर कर चुका हूँ मैं उसी दिन उसी रात में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जगह भेज चुका हूँ। कुछ नहीं अपन ने भेज दिया वो अपन से ये नहीं कहेंगे तुमने फिर क्यों नहीं भेजा रिप्लाई ये क्यों नहीं नहीं अब वो भेजेंगे ना अब उनके हाथ में बॉल है अपन ने बैटिंग बॉलिंग कर दिया वो बैटिंग करेंगे कि भाई क्या हुआ वो स्टेटस मांगेंगे वो एसपी साहब को भी रिमाइंडर भेजेंगे क्या किया आपने। अगर वो अगर मैं बिल्कुल आपकी बात मान लेता अगर आप इतने हाथ नहीं भी जोड़ते ना मुझे प्यार से बोले तो मैं तू भी मैं आपकी बात मान लेता। अरे हो मान जाना चाहिए गांधी जी गांधी का देश है हम गांधी के बच्चे हैं हमको क्या है कि वो दूसरी वो समझ के समाज समझ के आपके साथ घटना हो गई है बात ये है और कुछ नहीं। अरे यार लेकिन हेड साहब मतलब पटेल जी मेरी आप मानो मेरी आपके समाज के मेरे कम से कम 50 मित्र हैं और मैं उनके साथ के बैठ खाना खाता हूँ वो सब और बड़ा
क्या है कि मैं नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं, मैं नहीं बोलता, हम कह रहे हैं, कुछ नहीं मेरे साथ कोई घटना हो जो भी हुई जाने नहीं, और जो भी हुआ लिख दिया अपने। अरे यार देखिए, अब आप भी पुलिस है, मैं भी वकालत कर रहा हूँ इतने सालों से, मुझे पता है कि अब ऐसा अब झूठा बयान क्यों दूं जब मैं इतना कर रहा हूँ। मतलब उनको थोड़े से मतलब मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, आपसे वो आपका सही कहना है, वो आपका सही कहना है। हम भी उस दुख से आपके दुख से मैं भी दुखी हुआ, मुझे भी पता लगा। मगर बात यह है कि अपन ने लिख के भेज दिया, मगर वो फिर ये नहीं कहेंगे तो मतलब क्यों लिखा, हो गया नहीं वो तो मजा। अरे मैं तो एसपी साहब की भी जो मैंने आईजी को लेटर लिखा उसमें तो मैंने एसपी साहब का भी वो जिक्र कर चुका हूँ ना कि ये है, आप मेरा एसपी साहब के यहाँ से लेटर पढ़ लेना, आईजी साहब के यहाँ से लेटर पढ़ लेना। तो इस बात को तो मैं बहुत आगे ले जा चुका हूँ, वहां से पीछे आना संभव नहीं है। अब मामला कोर्ट में आया तब अपन वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, वो भी मेरे पास आएगी, उसको भी आप जैसा कहें कि हमारा जांच करने थोड़ी को आएगा। एक उदाहरण, नहीं आईजी जांच करने आएगा, सब हो जाएगा। अरे नहीं यार, लेकिन बहुत मार पड़ी थी, एक पहला समाज है तो मैंने भी झेल लिया, लेकिन जब पूरे के पूरे टूट पड़े ना, एक वो उसके वो अनभिज्ञता में हुआ है आपके साथ घटना, वो भी बहुत उसमें है कि यार हमने अपने किसी हिंदू भाई के साथ में हमने उसको समझ के वो घटना हो गई है, तो हम उनको मुंह दिखाने उन्हें कई बार टीआई साहब से बोला उनसे हम मुंह दिखाने लायक नहीं हम। अरे टीआई साहब भी खुद शर्मिंदा है, टीआई साहब उसने मेरे को बोले रोका उन्हें एसपी साहब में, यार बोले मैं शर्मिंदा हूँ, और मतलब आपसे मेरा कोई द्वेष थोड़ी है, आप क्यों शर्मिंदा होंगे। ध्रुव साहब खुद कह रहे हैं, ध्रुव साहब खुद बेचारे बड़े शर्मिंदा है, यार बोले मेरे थाने का मामला है, आपके साथ ऐसा हुआ मैं शर्मिंदा हूँ, तो उनसे मेरा कोई द्वेष थोड़ी है। खुद भी है, मैं तो एसपी साहब से बोला, मुझे पूरे पुलिस कर्मियों से कोई नहीं, सब मेरे भाई है, सब रोज कोर्ट आते हैं, और मेरे सबके पास जाता हूँ, सब रोज मेरे पास आते हैं, जितने 5 लोग 8 लोग 10 लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करो, इतना ही तो कहा है मैंने, पूरे विभाग से मेरा बैर थोड़ी है, नहीं वो नहीं कह रहा है, और उस पूरे बल से भी नहीं जो वहां तैनात था। आपको उनसे बैर नहीं है? हाँ नहीं, मतलब आपसे बैर है, मैंने कहा हमको किसी से बैर नहीं है, पुलिस जब भी हिंदू मुस्लिम राइट होता हिंदुओं का ही साथ देती, ये मुसलमान भी जानते, मगर वो अनभिज्ञता में आपके साथ में घटना हुई है, उसके लिए हमारे पास कहने को कोई शब्द नहीं है मेरे पास, मैं ये जानता बस, और जो भी आप नहीं, उस दिन ना हिंदू मुस्लिम राइट थे ना कुछ था, कुछ नहीं था उस दिन, नहीं है वहां पे उन्होंने 4-5 आपके पहले 3-4 ऐसी घटना हो चुकी थी जिससे पूरा वो परेशान थे, वो समझ गए जी गड़बड़ा गया। तो क्या आप कह रहे हो मुसलमान समझ के मार दिया मुझे? हाँ वो ही समझ, वो घटना क्योंकि वो हाँ दाढ़ी तो मेरी कब से बड़ी है, कभी कटी नहीं है, वो बोल बोल इस कारण हो उसमें हिंदू क्या है, जब जब हिंदू मुस्लिम राइट हुए हैं, जब जब पुलिस पकड़ का है हिंदुओं के पक्ष में ही, हाँ गलत फहमी में हो गया, मतलब ऐसे समय में अगर कोई उसको मिले ना 1500 ऐसी दे देता है जो परेशान रहता है, मैंने 10 साल भोपाल में पत्रकारिता किया है ना, उस दिन मैंने फोन किसको लगाया, मैंने एसपी साहब से पहले भोपाल फोन लगाया कि ऐसी घटना हुई मेरे साथ, फिर मैंने एडिशनल एसपी को फोन लगाया,
अब भोपाल में किनको लगाया, खैर मैं नाम नहीं लेता हूँ, मतलब मैंने बहुत बड़े अधिकारियों को लगाया। अब मैं जो पत्रकारिता करके आया हूँ 10 साल, मैंने पीपुल्स में की, भास्कर में की, जो भास्कर का जबलपुर एडिशन था, मैं था भोपाल में 2008 से लेके थरी, हाँ 8 से लेके तो 17 तक, ये सब मेरे सामने हुआ था जब आप लोगों की यहाँ ड्यूटी हुई, तो मैं जा चुका था। अच्छा आप भोपाल का है, ओके, हाँ क्योंकि यहाँ तो इनका तो 5वां मर्डर हुआ शायद, है ना। हाँ तो मेरे आने के बाद 9-10 हुआ ना आलू पुष्कर। अच्छा हाँ इनका उनका हाँ 5 में ठीक हो, सबसे पहले वो हाँ बस आलोक का जो मेडिकल हॉस्पिटल सामने मेडिकल उसके अंदर ही हुआ था सबसे पहले मैं। हाँ नहीं ये मुझे पता है, लेकिन जब मैं भोपाल में था, ठीक जब मैं सबसे पहले पैंट मेरे मुझे सबसे पहले मैं पहुंचा था, क्योंकि उसके बाद SP साहब आ गए थे, जे आई साहब वगैरह, फिर सब बल्ब पहुंच गए थे, नहीं मैं भोपाल चला गया था। फिर भोपाल में मैंने मतलब मैंने उसको बता रहा हूँ भाई कि ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, अब वो सुनने को तैयार नहीं। भाई आप सुनोगी तो ना किसी की, अगर मैं उस दिन मर जाता तो मेरा बीपी कितना निकला उस दिन वहाँ जाने के बाद, 168-170 निकला। ये आदमी को मारने वाला बीपी है कुछ, वो थोड़ी है, रास्ते में मर जाता मैं तो सबकी नौकरी जाती, जितने भी पिटाई की थी, तो एक दो छोड़ो सब जेल जाते, हाँ नहीं वो तो जाती, उसके बाद सब बेचारे जो जो नहीं थे वो भी चले जाते। अरे नहीं यार हेड साहब बयान तो ले लो आप, देखते अपन। नहीं नहीं अरे नहीं 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 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर जा चुका है, लिख चुका हूँ मैं। चलो यार ना कोई दिक्कत नहीं, अपन नहीं भी भेजा है ना, अपन नहीं भेजा है, लेकिन अभी कई आयोग से लेटर आएंगे, आयोग की जांच आएगी। मैं तो उस दिन अगर वो दूसरे दिन भी आके या तीसरे दिन भी आके गलती की मांग लेगा ये आदमी, चलो अपन भी समझ गए कि ठीक है, लेकिन अब वो। अच्छा एक बात बताओ, सुनो आपका बेटा कितना बड़ा है? मेरा बेटा तो शादीशुदा है। हाँ अगर उसके साथ ऐसी मारपीट होती तो आप क्या करते, लिखते कि नहीं? मैं बहुत ही निर्मम तरीके से मारपीट होती, तो मेरे भाई के लड़के के साथ और भतीजे के साथ पुलिस ने पिपरिया में मारपीट कर दी थी, तो 3-3 दिन भर्ती रहे थे अस्पताल में, तो पहले तो उन्होंने बयान दे दिया, फिर मैं जब गया तो मैंने सब बदलवा दिया था, तो कोई पुलिस ने नहीं मारा, तो उसने ना गाली दी ना हमारे साथ मारपीट की, अभी उसका प्रमाण है, फिर वो मामला ही नहीं बन पाया खाली। हो जाती है उसका हमें भारी दुख है, हम उस दुख से कोई शब्दों में उसकी हम नहीं कह सकते आपसे। और मतलब बाकी क्या वैल्यू रह गई अब मेरी, मेरे पूरे करियर की, कि वकील पुलिस से पिट के आ गया? नहीं नहीं ऐसी कोई नहीं, ये नहीं ये भी आदमी है ना, ना ना ऐसा नहीं भाई, ये मतलब मेरे प्रोफेशनल तरीके से देखो तो वकील पुलिस से पिट के आ गया, कुछ कर ही नहीं पाया। अपने गांधी जी को कई लोगों ने मारा, कई लोगों ने अंडे फेंके, मगर गांधी जी की छवि बट्टा मंगा लिया पांडे साहब ने, सब कुछ होने लगा, मैंने मेरे से पहचान लिया उसको, मैंने जब से आया हूँ चिखलार में 1 दर्जन से ज्यादा बार मैंने चेकिंग की होगी। फोन बज रहा है। हाँ साहब मैं इधर ही था, दुर्गा मंदिर कोठी बाजार। इतना दबाव बनाए जाने के बावजूद भी दीपक बुंदेले कहते हैं कि वो शिकायत वापस नहीं लेंगे। वो कहते हैं कि इस मामले में अभी भी FIR दर्ज नहीं की गई है।
इस पर अभी तक पुलिस की ओर से कोई सफाई नहीं आई है। न्यूज डेस्क।